नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। उम्मीद करता हूं आप लोग सब सेफ है, सुरक्षित है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप देख रहे हैं, ये ब्रिंजल प्लांट्स। तो आज मैं ये ब्रिंजल प्लांट्स के बारे में बताऊंगा और कैसे इसको एक प्लास्टिक बैग में इसको उगाया जाता है, उसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये ब्रिंजल प्लांट्स, इसको एक प्लांट के नाम पे भी परिचित है, ये एक प्लांट के भी नाम पे जाना जाता है, जबकि सारा ब्रिंजल ही मतलब एक जैसा नहीं लगता है। जो वाइट वाला ब्रिंजल है वो थोड़ा छोटा होता है और वो एक जैसा ही लगता है, इसीलिए एक प्लांट भी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर मतलब पहले जो है ये इंडिया का जो साउदर्न सेक्शन है वहाँ पे मतलब ज़्यादा उगाया जाता था। धीरे धीरे ये जो है पूरे इंडिया में और इवन विश्व में भी इसका पैदावार हो रहा है, मतलब ये विश्व में भी फैल गया है। ये ट्रॉपिकल प्लांट्स है, ये ज़्यादातर मतलब कहना स्प्रिंग सीजन में मतलब इसको उगाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको कंटेनर में उगाएंगे तो आप पूरे मतलब कहना थ्रू आउट द ईयर इसको आप उगा सकते हैं। ये ब्रिंजल जो है बहुत ही मतलब कहना कमल का सब्जी है, इसे बहुत मतलब कहना इंडियन का जो सब्जी बनाते हैं, इंडियन डिशेस जो है, बैगन भरता, ब्रिंजल भाजी, ब्रिंजल मसाला, तरह तरह की डिशेस, और जो बंगाली में एक डिश जो है वो पकौड़ा टाइप जिसको बेगुनी बोलते हैं। तो ये बहुत सारा जो डिश है बहुत अच्छा लगता है इसका। ब्रिंजल एक बहुत पॉपुलर मतलब वेजिटेबल्स मतलब ये बन गया, और ज़्यादातर मतलब ये कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छी तरह मतलब ये बहुत सारा वैरायटीज है इसमें, बहुत मतलब कहना है इसमें कलरफुल पर्पल कलर, देन ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश मतलब पर्पल विद रेड वाइटिश, बहुत सारा मतलब कलर में आता है, बहुत सारा वैरायटीज है इसमें। दोस्तों, इसको ग्रो करने के लिए मैंने दो ही तरीका मैं बताया, एक तो सीड्स लेके घर में उगाना और दूसरा जो है आप सीडलिंग्स लाए बाजार से खरीद के और इसको प्लांटेशन करें। तो दोस्तों, ये प्लांटेशन के लिए जो इसका फर्स्ट जो है मैं सॉइल की बात करूंगा। ये ब्रिंजल उगाने के लिए दोस्तों ये सैंडी लोम सॉइल ही मतलब इसके लिए बेटर है, और ये ऑर्गेनिक जो है खाद इसके लिए बहुत चाहिए ताकि मतलब जो है ना इसका जो ग्रोथ है वो बढ़िया रहे। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये जो सॉइल है इसको मैंने ये करके रखा। तो देखिए इसको ये जो सॉइल है इसका जो मिक्सचर है मैं आपको बता देता हूँ। ये गार्डन सॉइल है, ये कंपोस्ट है, ये गार्डन सॉइल है। ये गार्डन सॉइल जो है कम, ये मैं जो ये कटोरी जो है, इस कटोरी का एक कटोरी जो गार्डन सॉइल है, एक कटोरा जो है इसमें कंपोस्ट है, और इसका हाफ जो है ये कोकोपीट है, और इसका ही हाफ जो है ये सैंड है, और साथ में ये 100 ग्राम बोन मील है। आप ये जो देख लीजिए, ये 100 ग्राम जो बोन मील ये है। तो कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बोन मील भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये मतलब ज़्यादातर मतलब सॉइल को मॉइस्चर बनाए रखता है, मॉइस्चर मेंटेन करता है। तो इसके लिए सॉइल जो है ये इसमें मॉइस्चर होना चाहिए सॉइल में, तो इसीलिए इसको कोकोपीट को भी थोड़ा सा यूज़ किया मैंने, और साथ में ये जो फंगिसाइड्स है इसको भी थोड़ा एक चम्मच, ये हाफ चम्मच हो गया, मैं और भी थोड़ा सा निकालता हूँ। ये मतलब थोड़ा एक चम्मच इसमें फंगिसाइड्स यूज़ कर दिया ताकि मिट्टी में फंगस ना लगे, ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये बारिश आ गया, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, तो अभी मतलब थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर बाद में मतलब क्या ना इसका कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू। तो दोस्तों, इसका वाटरिंग जो है इसको समर में तो डेली इसको वाटरिंग करना चाहिए बिल्कुल, मतलब इसमें ये सूखने देना नहीं चाहिए पॉट को, बिल्कुल इसको रेगुलर जो है इसको वाटरिंग करना चाहिए। अगर बरसात में थोड़ा देख के इसको वाटरिंग करना चाहिए, और जो ये है जो मिट्टी है वो तो वेल ड्रेन्ड होना ही चाहिए। अभी इसको सॉइल जो है मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको प्लांट कर देंगे, और फर्टिलाइज़र का है जो है आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मतलब हफ्ते में या 10 दिन में एक बार इसको दिया करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको कहाँ प्लेस करेंगे उसके बारे में मैं बात करता हूँ। वो जो है आप इसको मतलब खुले जहाँ पे धूप ज़्यादा धूप आता है, मतलब कम से कम 6-7-8 घंटा का धूप रहता है, वहीं पे मतलब उसी जगह पे मतलब उस स्पॉट को प्लेस कीजिए, और साथ में थोड़ा सा
हवा भी खिलता है इसी जगह पे, मतलब कहना जो इसको उगाया जाना अच्छा है, इसके लिए बहुत अच्छा है। तो पॉट भी मतलब जो है आपका पॉट साइज़ जो है कम से कम जो है वो 1 फुट का गहराई और कम से कम 10 इंच जो है उसका जो गोलाई है वो गोलाई जो है कम से कम 10 इंच वाला होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सॉइल को इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्सचर बना हुआ है पहले से, तो ये देखिए मिक्स हो गया, मिक्स हो गया। प्लास्टिक वाला जो बैग है, तो ये राइस वाला बैग है, ये इसी में डालूंगा। तो इसमें पहले ही मतलब जो है ना मिट्टी मैंने भर के रखा, तो जितना मैंने अभी सॉइल मिक्स किया था उसको दोनों में मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, ये एक और ये है। तो इसको थोड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं और इसको इसी में डाल देते हैं। ये जो है पौधा जो है ये देखिए थोड़ा सा इसको मिट्टी जो है थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा जो जड़ है उसको थोड़ा सा निकल जाएगा, ये जड़ निकल गया। और उसके बाद इसको जमीन पे डाल देते हैं ऐसे करके, और इसको चारों तरफ से जो है मिट्टी डाल देंगे। तो दोस्तों ये इसको प्लांटेशन तो अच्छा मतलब कहना आसान है, लेकिन इसको मतलब केयर करना इतना ही मतलब कहना ज़्यादा इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा इसमें वाटरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगा तो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और ऑल बटन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।